देखो भाई, देखो देखो, बात सुनो मेरी बात सुनो। बहुत अच्छा भी लगा है। आपकी आंख में कुछ लगा है? आपने किया दगा है? आपकी क्या मेरे मुशायरे का होस्ट बनने की यही सजा है? आपके यहाँ दो और लोग की जगह है, खाली जगह में बड़ा मजा है। अब दूसरी डुप्लीकेट जो है उनके लिए जोरदार तालियां मत बजाना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्लीज वेलकम सुनो निगम। सॉरी, डुप्लीकेट शायरा, या डुप्लीकेट शायरा तारा खान। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? ऑटो में ऐसे ऑटो से उतर के कोई भागता है क्या? 250 रुपए का किराया देना था, मुझे पकड़ लिया, 250 रुपए की मार मुझे अकेले को खानी पड़ी। अब मैं इधर आ गई हूँ, मैं एक एक की छुट्टी कर दूंगी। पहले ये स्कूल में घंटी बजा के छुट्टी करती थी, इनकी आदत नहीं गई। तो आप अपने हिसाब से जगह देख के बैठ जाइए। ऑलरेडी बैठ चुकी है, हर बात शेयर नहीं होती है जो वेट कर रहे हो यार, जल्दी शुरू करो। आई एम द रियल वन, ये कोरियोग्राफी इनको नहीं आती है, मुझे आती है, मैं करती हूँ। कोरियोग्राफी आपका है। सर्दियाँ शुरू होते ही ना स्वेटर, शॉल, मफलर, कंबल सबको ऐसे धूप दिखाते जैसे हमसे ज्यादा सर्दी इनको लग रही है। और जैसे ही आप पेटी से बाहर कपड़े निकालते हैं, पुरानी जैकेट ये वो, तो कॉकरोच अंदर से निकलते हैं, आंखों में हाथ रख के धूप पड़ती ना ऐसे करके निकलते, भी ये आज हमें क्या दिखा दिया। कई लोग तो धूप नहीं लगवाते, ऐसे पहन लेते हैं, कई लोगों को नहीं होता कि यार नहीं सर्दी लग रही पहन लो, फिर उनके फिनाइल्स गोली की खुशबू आती है। वो तो चलो अच्छी बात है कि सर्दियों में सबके नाक बंद होते हैं, नहीं तो जिसने पहना खुद ही बेहोश होकर मर जाए, इतनी गंदी स्मेल होती है। अच्छा, कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कई लड़कियां बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। अच्छा, सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं। उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड लड़के जो 5:30 बैठे रहते हैं उनको ताड़ने के लिए। अच्छा, ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती ना, तो शादी के बाद लड़की तो 10 बजे तक सो रही है, ये सुबह उठ के ना 6 बजे बंदर टोपी पहनकर शॉल लेके दूध लेने जा रहा होता है आदमी। तो जो गाय भैंस बंदी है वो भी चिढ़ाती है, और कर शादी। अच्छा, लंदन वगैरह में जब सर्दी पड़ती है ना, वहां के लोग बड़े स्टाइलिश हो जाते हैं, लॉन्ग बूट, जीन्स टाइट, ये वो, कोट हैट डाल लेते सर पे। हमारे यहाँ इतना होता नहीं है कि बंदर टोपी पहननी, पूरी की पूरी रजाई ओढ़ के निकल जाते बाहर। और फिर देसी के 2 पैग मार के ना वहां पे अंगीठी सेक रहे होते हैं। फिर जब जैसे 3-4 पैग गंदे रहते हैं ना, बातें बड़ी बड़ी बाहर आती हैं। भाई साहब देखना, काला धन तो आएगा बाहर। फिर 4 पैग और अंदर जाते हैं, काला धन आना ही चाहिए बाहर। 2 और गए ना। लेकिन जिन लेडीज ने नई नई साड़ियां बनवाई होती, डिजाइनर साड़ियां, उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चिढ़ाती है उनको, क्योंकि ऊपर से आपको शॉल लेनी पड़ती है, फिर सारी साड़ी तो ढक गई। फिर ये क्या करती है, पूरा शॉल लेके बैठी रहती है, जैसे बारात आ गई ना तो शॉल उतार के पति को दे देती है, जिसने पहले से बच्चा उठाया होता है वो फिर शॉल भी पकड़ लेता है। तो बीवी अपनी साड़ी सी पहन के, जी जा जी आ गए ये तो। अच्छा, थोड़ी देर तो लेडीज हिम्मत करके ग्राउंड में घूम लेती ना, साड़ी पीछे बैकलेस पे, सो आप इस तरफ क्या लगाया, उन्होंने साड़ी दिखाने जाना होता था, इस तरफ क्या है, बालूशाही, ओके। धीरे धीरे जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर ये सीधा ही वहां पहुंचती जहां फेरे हो रहे होते ना, आग जल रही होती है, पंडित जी के पास जाके बैठ जाती फिर। और इनका कोई धार्मिक होने का, मंत्र सुनने का दिल नहीं करता भी। अच्छा, सर्दियों की शादी में पंडित भी जल्दी शुरू कर देते फेरे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि धोती पतली है। कि सर्दी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली गई तो ये उनका आखिरी फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा, कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, जिस कमरे में माँ बाप सो रहे ना उनको पंखा चला जाते हैं भरी सर्दी में। उनकी हरकत की वजह से ना जायदाद का एक हिस्सेदार और आ जाता है फिर। दिस वाज फनी। सर्दियों के दिनों में ना खुले खुले मैदान जो होते हैं, कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं। हाँ। तो सर्दियों में जोश लाने के लिए ना कुछ वीर रस के कवि सरहद पे जाके मरने की बातें करते हैं, मरने मारने की कविताएं, जैसे उतर के नीचे आएंगे निमोनिया हो जाता है। हाँ। फिर हॉस्पिटल में पता लेने जाए, प्रोग्राम पकड़ लिया, 1800 रुपया दिया है, 2000 मेरा लग गया। सर्दियों में खाना खाने का बड़ा मजा आता है, तरह तरह के पराठे बनते ना, आलू का, प्याज का, गोभी का, मक्खन डाल के, मूली के पराठे। अरे जो मूली वाले खाता है सबसे ज्यादा रजाई वही गर्म करता है। अरे सर्दियों में ना बुखार जुकाम बड़ा होता है,
तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग ऐसे बड़े ऐसे वेले होते डॉक्टर ना, जो सलाह देने लगते है, काका जुकाम है, थोड़ी सी हल्दी लो, सौंठ लो, तुलसी के पत्ते लो, अदरक लो, काली मिर्च लो, इतना सा काला नमक लो। आदमी बोलता है चाचा पहले रुमाल लो, खर्च करके खत्म करो काम ना, क्या कर रहे हो। शादी दिसंबर में हुई थी आपकी? हाँ सर। अमृतसर गए होंगे बारात लेके? सर हाँ सर। तो वहाँ पे तो दूल्हा सिकुड़ गया होगा पूरा है? सर बहुत बुरा हाल था सर, ठंडी में तो उधर घर से रजाई से बाहर आने का मन ही नहीं करता था सर। नहीं पहले दो तीन साल तो आने का दिल भी नहीं करता। बंद कर दी कोरियोग्राफी, बंद बंद हो गया, कितना बंद करोगे? बंद हो गई। देखिए मैं कह रहा हूँ बंद कर रही है, मेरी बात सुन लीजिए, कोई मेरी बात सुन, बंद कर रही है। एक मिनट, एक मैं कह रहा हूँ बंद मस्त का मंगाया जाए, थोड़ा चाय हो जाए, बंद मस्त का हो जाए, चाय हो जाए, मजा आ जाए। क्या बात कर रहे हैं अनु जी, चाय? इसकी चाय को छेनू ले जाए, इसकी चाय को छेनू ले जाए, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए। चलिए दीपक जला के मुशायरा शुरू करते हैं। दीपक मैंने नई गाड़ी ली है, दीपक जल रहा है, चलिए मुशायरा शुरू करते हैं। मुशायरा, बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, तब तो घर साफ हो गया होगा। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, कमला ने झाड़ू मारा बिमला के घर। ओहो टिट फॉर टैट, दे आर मेड फॉर ईच अदर। क्या बात है, दोनों ने घर की सफाई साथ में की। बिमला ने झाड़ू मारा कमला के घर, कमला ने मारा झाड़ू के बिमला के घर। अच्छा हाँ, दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर ईच अदर। आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा। तो वो कह रहे हैं कि जला दूंगा, आग लगा दूंगा। हाँ तो लगा दो, आग लगा दो, हर जगह हर तरफ आग लगा दो। I'm always on fire. सीढ़ी बम्बा बोलाओ, आग इसकी बुझाओ। सीढ़ी बम्बा बोलाओ, आग इसकी बुझाओ। You're always on fire. You're always, always fire. on fire. Huh? Yeah. जी जानो। Okay, एक फराजी के लिए मैं शेर सुनाना चाहूंगा। गुलाबी होंठ, वाह, गुलाबी होंठ, गजब की आंखें, वाह, सिल्की बाल क्या सितम ढा रही हो, लगता है अभी अभी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आ रही हो। आ गए हैं यहाँ फालतू कैसे कैसे, वाह 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 वाह। शेर नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। जी सुनो निगम जी, जी मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज। देखिए आप ऐसे रोइए मत, मेरी हंसी निकल रही है। तो पहला राउंड हुआ खत्म, ओरिजिनल्स ने 2-0 से बढ़त बनाई हुई है। जी आप सुनो निगम जी कुछ कहना चाहेंगे। देखिए मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इतना कहना चाहूँगा सिर्फ जी ध्यान दीजिए कि ये मुशायरा शुरू हुआ था लेकिन अच्छा नहीं हुआ है, तो बहुत ऐसे खिचड़ी पक गई है, तो इसके दो लाइने झगड़ा नहीं करते, तमीज रखो थोड़ी। देखिए ये हमारी गलती है, हमने बहुत ज्यादा सस्ते डुप्लीकेट मंगा लिए, तो मुशायरा बहुत ज्यादा गंदा और हिंसा की तरफ बढ़ रहा है। तो आप मुशायरा, ये एंगल भी कोई बहुत बढ़िया नहीं है यहाँ पे। चलिए यहीं पे मुशायरा खत्म होता है, निकली अपने अपने घर, चलिए 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 यहाँ, चलिए चलिए यहाँ। एक बार फराह खान, सोनू निगम और अनु मलिक साहब के लिए जोरदार तालियां। एक सेल्फी हो जाए। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates